Hey sweeties, can you say no to noodles? If your answer is no, you are at the right place. Hi everyone, welcome back to my channel, it's CG Official, and welcome back to the series Eateries of Bhopal, wherein I'm sharing with you some places to eat in Bhopal. They are actually worth recommending. So I'm trying my best to serve you the best. So today, on the same note, I'm going to be taking you with me to the Giant Panda restaurant, which is in DB City Mall, a centrally located place. So, if you are in Bhopal or you are planning to visit Bhopal and you love Pan-Asian cuisine, yes, definitely you should visit the place. Achha, wahan na mujhe mile Mr. Rajiv Verma. He is actually a Bollywood actor. Abhi aap picture dekhenge to you will recognize him for sure. So he actually belongs to Bhopal MP and he lives in Bhopal. So staff ne mujhe bataya that he is a regular customer over there. Unse bhi meri kuch baatcheet hui, although wo maine record nahi kiya. Okay, so ye quick tour restaurant ka bahut acha ek warmth hai wahan par aur bahut warm tones hai actually, light ki hum agar baat kare, creativity aap dekh rahe ho, it's at the top. हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी. मेरी वहाँ के जो कैप्टन हैं उनसे कुछ बातचीत हुई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी इन द कमिंग वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू देयर मेन्यू, देयर डिशेस, एंड हम ऑब्वियसली जैसे हम रेट करते हैं फूड को, वो तो हम करेंगे. इसी के साथ साथ ना और भी प्लेसेस टू ईट इन भोपाल और अदर सिटीज के भी मैंने कवर किए हैं, तो प्लीज चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो जाकर आप देखिए. शेयर योर फीडबैक वेदर यू लाइक इट और नॉट. अभी के लिए सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन से, एंड उसके बाद आई विल टेक यू विद मी, आई विल मेक यू टेस्ट फ्यू डिशेस. मैं मुकेश मेहरा, ये रेस्टोरेंट में कैप्टन हूँ. मेन डिश हमारा सिग्नेचर डिश है जो कि है हाउसे है, जो वेज चिकन प्रॉन्स तीनों में हम सर्व करते हैं. और उसके बाद है नूडल्स है, जिसमें नूडल्स सबसे ज़्यादा चलने वाला नूडल्स है हमारा सिंगापुर नूडल्स एंड पैन फ्राई नूडल्स एंड चिली गार्लिक नूडल्स. ये अधिकतर हमारे मतलब सबसे ज़्यादा सेल करने वाले ये नूडल्स है हमारे. ग्रोसरी वगैरह दिल्ली से आती है और सी फूड वगैरह चेन्नई से आता है पूरा. अच्छा, तो जो वेजिटेबल है ना, जो फ्रेश वेजिटेबल, वो भोपाल से परचेस करते हैं हम लोग. अच्छा जी, और जो सॉसेज आप प्रिपेयर करते हैं किचन में, ये खुद बनाते हैं हम. अच्छा, सारे सॉसेज प्रिपरेशन खुद ही होती है. ओके, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपने डिशेस में डालते हैं? सेजवान सॉस. अच्छा, तो हम खुद बनाते हैं. खुद बनाते हैं. ओके, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहते हैं सॉस में आपने? चिल्ली होता है, रेड चिल्ली होता है, और बाकी सॉस वगैरह यूज करते हैं उसमें. अच्छा अच्छा. मुकेश मेहरा जी ऑफ कैमरा तो ही वॉज वेरी टॉकेटिव, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो उनको बड़ा कॉन्शियसनेस सी हो रही थी. सो अबाउट द रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट इज एक्चुअली नियरली 3-4 इयर्स ओल्ड, और ये पैन एशियन क्विजीन भोपाल में अच्छे से सर्व कर रहे हैं. दे हैव अ वेरी रिपीटेटिव कस्टमर बेस. इनकी जैसे मैंने कहा, ऑथेंटिसिटी काफी है. फूड जो है इनका, दैट इज वेरी फ्रेश, दे मेक इट फ्रेश. इंग्रेडिएंट की जो क्वालिटी है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड. यू कैन एक्चुअली यू नो स्पॉट द डिफरेंस आप अगर कहीं और फूड तरीके का ट्राई करते हैं या खाते हैं, और यहाँ पर आकर आप खाएंगे तो येस, देर इज अ डिफरेंस. सेम इज द केस विद देयर इटालियन खाना. सो मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली पिज्ज़ा, जस्ट टू चेक कि ये सब तो बहुत अच्छा टेस्ट करता है इनका और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं, व्हाट अबाउट इटालियन फूड. सो पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया था एंड दे सर्व यू विद ऑरिगैनो एंड यू नो चिली फ्लेक्स. ऑल्दो इनका चिली फ्लेक्स जो था, दैट वॉज नॉट एक्चुअली फ्लेक्स, वो थोड़ा डिफरेंट सा लगा मुझे. एंड केचप, अभी इंडियन में सर्व कर रहे हैं तो दे गिव यू केचप ऑल्सो. बाकी द क्वालिटी ऑफ पिज्ज़ा वॉज गुड. अगेन चीज़ का अमाउंट भी अच्छा था. एंड मेन्यू मैं अटैच कर दूंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि और क्या क्या वेराइटीज़ हैं वेज वेजिटेरियंस के लिए भी. दिस इज़ वन सच प्लेस वेर यू कैन गो एंड हैव सम गुड फूड. और नॉन वेज अगर लवर हैं तो यस, आपके लिए तो बहुत सारा वेराइटी है ही वहाँ पर. सो दीज आर द फ्यू डिशेज जो अदर कस्टमर्स के थे, बट आई टुक अ फ्यू शॉट्स और कुछ हमारे भी ऑर्डर के थे. सो अब फटाफट से चलते हैं, हम इनका फूड टेस्ट करते हैं, रेट करते हैं. So let me be very honest with you, this it was not actually my first visit over there. I am kind of a regular customer over there. So इनके noodles and all ये हमने काफ़ी try किया हुआ है, different type of noodle, pad thai noodle and their you know pan fried noodles and stuff. So वो काफ़ी अच्छा quality maintain करते हैं. Slightly, बहुत slightly ये मुझे overpriced लगता है, बहुत slightly दो. बाकी तो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन पॉइंट, और नीटनेस क्लीनिनेस वो सब भी वहाँ पर अच्छे से होता है. एंड यस, या पैन एशियन है और यू नो दिस गिव यू चॉपस्टिक्स ऑल्सो. सो अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू ईट विथ चॉपस्टिक, यू कैन आस्क देम, दे विल कम एंड टीच यू इफ यू वांट देम. सो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
एंड ओवरऑल द एम्बियंस द वाइब इज वेरी गुड एंड ऐसा लगता है एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर सा वो प्लेस लगती है मुझे जब भी मैं वहां पर जाती हूँ. सो किसी अननोन के साथ आप जाओ और वहां पर बैठो तो यू विल डेफिनेटली हैव सम गुड कॉन्वर्सेशन विद अ गुड फूड ऑफ कोर्स. सो खाने की अगर हम बात करें तो इनके नूडल्स रेंज जो है उसको आई वुड हैप्पीली गिव लाइक 6 out of 5 एंड जो इनका पिज्ज़ा है उसको आई विल गिव 4.5 out of 5 एंड उसके बाद थुप का जो रेंज है सूपी जो रेंज है इनके बहुत सारी सूप हमने ऑलरेडी ट्राई किए हैं. सो इस वीडियो में आई हैड ऑर्डर चिकन थुप का तो वो भी बहुत ही टेस्टी इतना फ्रेशनेस लगती है ना आपको ऐसे फर्स्ट एक सिप आप लेते हो नूडल खाते हो सो इट्स वेरी लाइक स्लिपरी गुई. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सो आप भी जाओ ट्राई करो कमेंट करो कैसा लगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर अच्छा लगे तो. और हाँ ये बहुत ही अच्छा हाईलाइट है उनका लास्ट में जब बिल आता है सो दिस इज हाउ दे गिव यू देयर बिल और साथ में वो एक वो पैंडा वाला ही वो कैंडी देते हैं. दैट्स एक्चुअली वेरी गुड क्रिएटिविटी दो.